दिव्यांग भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। वे बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा खेल जैसे गतिविधियों में भाग ले सकें, ऐसे माहौल का निर्माण करना है। मैं आज पुरस्कृत सभी व्यक्तियों को और संस्थानों को बधाई देती हूँ। ये पुरस्कार आपको दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में आपके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने का एक प्रयास है। मैं आशा करती हूँ कि अन्य संगठन और व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेंगे और आपका अनुकरण भी करेंगे। देवियों और स्वजनों, संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन है, यानी विश्व में लगभग हर आठवां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगजन है। भारत की भी 2% से अधिक आबादी यानी 2.5 करोड़ से अधिक लोग दिव्यांगजन है। यह संभव है कि आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में एक दिव्यांगजन से परिचित होंगे, उससे जुड़ा हुआ होंगे। इसे ये सुनिश्चित करना हम सब का पूरे या समाज का दिव्यांग बनता है कि दायित्व बनता है कि सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। सभी दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ये अपने घर और समाज में सुरक्षित रहे, उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, ये सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व है। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति और परंपरा में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। आप सबने ऋषि अष्टावक्र की कहानी सुनी होगी। उन्हें अष्टावक्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। वे एक तेजस्वी बालक थे, अल्प आयु में वे एक असाधारण विद्वान बन गए थे। ऋषि अष्टावक्र ने अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने ज्ञान और दर्शन से समाज को प्रकाशित किया। उन्होंने अष्टावक्र गीता और अष्टावक्र संहिता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की थी। इसी तरह भक्ति साहित्य में महान कवि सूरदास भारतीय काव्य के गौरव है। उन्होंने जिस तरह नेत्रहीन होते हुए भी राधा कृष्ण के रंग रूप, श्रृंगार और सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है, वो किसी नेत्र वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत ही कठिन है। उनका बाल्य वर्णन विश्व साहित्य की उपलब्धि है। एक सारगर्भित कथन है कि विजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइट। आधुनिक काल में श्री भी महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद स्टीफन हॉकिंग ने अपने असाधारण ज्ञान से विज्ञान जगत को नई दिशा प्रदान की है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, एंड आई कट, डिसेबिलिटी नीड नॉट बी एन ऑब्स्टकल टू सक्सेस। माई एडवाइस टू अदर डिसेबल्ड पीपल वुड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स योर डिसेबिलिटी डज नॉट प्रिवेंट यू डूइंग वेल एंड डोंट रिग्रेट द थिंग्स इट इंटरफियर्स विथ।
अनकट। प्राय ये देखा गया है कि दिव्यांगजन दिव्य गुणों से युक्त होते हैं, ऐसे अनगिनत उदाहरण है जिसमें हमारी दिव्यांग भाई बहनों ने अपने अदम्य साहस, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर अनेक क्षेत्र में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। पर्याप्त अवसर और सही वातावरण मिलने पर दिव्यांगजन भी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी दो दिन पहले ही मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस पुरस्कार समारोह में मुझे मानसी गिरीशचंद जोशी, तरुण ढिलों, स्वप्निल संजय पाटिल और जेरलिन अनिका जे को अर्जुन पुरस्कार से और नीर बहादुर गुरुम को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मेरा विचार में इन लोगों की ऊर्जा और सामर्थ्य किसी से भी कम नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भी हमारे पारा ओलंपियन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इतिहास रचा है और भारत का गौरव बढ़ाया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही कि सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जा रही है। उस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा से के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में कम आयु में ही दिव्यांगता की पहचान करने, उसका उपचार प्रदान करने और उचित पुनर्वास के लिए प्रौद्योगिकी और पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस पहल से प्रेरणा करें और बचपन में ही दिव्यांगता की पहचान करने तथा उसे पूरी करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा दिव्यांगजनों के सहित प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण की कुंजी है। मेरा मानना है कि शिक्षा में भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करने के लिए तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम व्यवस्था की महत्व को रेखांकित करती है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए NCERT की कक्षा 1 से 6 की पाठ्य पुस्तकों का इंडियन साइन लैंग्वेज में रूपांतरण पूरा हो चुका है। ये प्रयास श्रवण बाधित विद्यार्थियों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मुझे उम्मीद है कि इससे श्रवण बाधित बच्चों को अध्ययन में सहूलियत होगी। वर्ष 2015 में सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत के बाद दिव्यांगजनों के लिए सहायक वातावरण का सृजन करना सरकार के लिए एक प्राथमिकता रही है। दिव्यांगजनों को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के साथ साथ पूरे समाज की भी जिम्मेदारी बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मैं औद्योगिकी समूहों, निजी संस्थाओं और सिविल सोसाइटी से आग्रह करती हूँ कि ये अपने संस्थाओं में बुनियादी ढांचे को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के प्रयास करें और उनके सशक्तिकरण का प्रयास करें। दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक सहायक यंत्र और उपकरणों का वितरण करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।
पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार ने 23 लाख से भी अधिक दिव्यांगजनों को ऐसे यंत्र और उपकरण प्रदान किए हैं। मुझे जब मैं बैठी थी अपना मंत्री वीरेंद्र सिंह जी उन्होंने मुझे बता रहे थे एक मेला